बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उर्दू फन टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, शफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मैं और मेरी बीवी यूरोप के एक पार्क में बैठे हुए थे कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान जिसने चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी वो पार्क में आया और लोगों को दीन इस्लाम की दावत देने लगा। पार्क में मौजूद गैर मुस्लिम खवातीन उससे इस्लाम के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात करने लगीं और उसकी दाढ़ी, पगड़ी और ड्रेसिंग से मुतासर होने लगीं। वो उन्हें इस्लाम के मुतल्लिक हर सवाल का जवाब देता रहा, यहाँ तक कि वो सभी औरतें मुतमईन हो गईं। जब वो हवातीन जाने लगी तो उनमें से एक गोरी ने आगे बढ़कर उस नौजवान से हाथ मिलाना चाहा। उस नौजवान ने सलाम का जवाब तो दे दिया लेकिन हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। गोरी ने हैरान होकर कहा कि ये कैसा इस्लाम है, इस्लाम ये सिखाता है कि किसी के साथ हाथ ना मिलाओ। इस पर नौजवान ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये मेरा हाथ मेरी बीवी की इमानत है, इस हाथ पर हक सिर्फ मेरी बीवी का है, मैं उसके अलावा इस हाथ को किसी को छूने नहीं दूंगा। इश्फाक अहमद साहब कहते हैं कि वो गोरी खातून चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि ऐ काश के हमारे यहाँ भी ऐसा कोई मर्द पाया जाए जो अपनी बीवी के लिए इस कदर खालिस हो। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल हमें इस वीडियो में मिलती है। ये एक इंडोनेशियन जोड़ा है, शादी के बाद पहली मर्तबा लड़की अपने हामद को छू रही है और हामद उसे सलाम करना चाह रहा है। लड़की शर्माते हुए झिझकते हुए हाथ मिलाने के बाद अपने शोहर के हाथ पर ही सर रख देती है। दोस्तों, निकाह एक बहुत ही पाक रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाखों नेमतों का नजूल हो उन लोगों पर जो इस मुबारक रिश्ते के एहतराम में खुद को पाकीजा रखते हैं, खुद को बुराइयों से दूर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को बुराइयों से दूर रखे, आमीन। मोजज़ ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों की इस वीडियो के हवाले से क्या राय है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।